हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्सन इन शाफ्ट पार्ट टू। ओके, तो ये हमारा टोटली CVCS पैटर्न पे बेस्ड है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, टॉर्सन इन हॉलो शाफ्ट और पावर ट्रांसमिटेड, और टॉर्सन क्या होता है, टॉर्क क्या है, CSS क्या है, ये सब पढ़ा। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में टॉर्क को कैसे बताएं, ठीक है? तो क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन, किसी प्लेन एरिया इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एन एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे मूव कर रहा है हमारा जो प्लेन है, जिसका एरिया dA है, ओके, ऑफ द एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। तो हमारा पोलर इनर्शिया होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, और प्लेन ऑफ फिगर के परपेंडिकुलर होगा, एंड पासिंग थ्रू द CG ऑफ द एरिया, मीन्स उस प्लेन का जो बॉडी है उसके CG से पास होगा, ठीक है? मैं आपको डायग्राम एक्चुअली बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट ये मेरा हो गया एक प्लेन सरफेस, ठीक है? ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ओके, एक्स एक्स इट इज वाई एंड वाई, ओके। तो ये कह रहा है क्या, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया, ये हमारा एक प्लेन एरिया हो गया जिसका एरिया हमारा dA है, ठीक है, इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, इस एरिया का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स जैसे मैं ये पेन रखा हूँ, इसके परपेंडिकुलर रखा हूँ, इसके परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ फिगर एंड पासिंग थ्रू द CG ऑफ, और इसके CG से पास होगा, मीन्स हमारा जो मान लीजिए सॉलिड शाफ्ट है, ऐसे सॉलिड शाफ्ट है, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा, पास होते किससे पास होगा, हमारा उस प्लेन के CG से। तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, डेट ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका मीन्स ये इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर, XYZ टोटल से परपेंडिकुलर, ठीक है? और ये किससे पास हो रहा है हमारा, ये हमारा किससे पास हो रहा है, डेट इज CG से, CG से पास होते हुए जा रहा है इस प्लेन ऑफ एरिया का, ओके। और तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जे से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा द मूवमेंट dt, हम जानते हैं, हम एक्चुअली जानते हैं द मोमेंट dt ऑन द सर्कुलर रिंग इज गिवन बाय, हम dt किसके लिए, सर्कुलर रिंग का इससे पहले वीडियो में हमने निकाला था मोमेंट के लिए, मोमेंट क्या होगा हमारा उस सर्कुलर रिंग का, क्या हो जाएगा, डेट इज शियर स्ट्रेस अपॉन आर, डेट इज टाउ अपॉन रेडियस ऑफ रिंग, मीन्स रेडियस ऑफ शाफ्ट इनटू 2πr³dr, ओके। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ अपॉन आर इनटू 2πr इनटू r²dr, मैंने क्या किया, r³ था तो r अलग अलग कर लिया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इसे हम लिख सकते हैं r² इंटू 2πr dr, लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं टाउ अपॉन r² इंटू 2πr dr, डेट इज dA, ये हो जाएगा हमारा एरिया, हो जाएगा ये हमारा एरिया, ये रहा इक्वेशन, हमने इसे पहले ऐसे निकाला था। तो टोटल टॉर्क देयरफॉर, हमारा टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट और टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, डेट इज टी, जो मूवमेंट है उसका इंटीग्रेट कर दें 0 से r तक के लिए, तो 0 से r के लिए इंटीग्रेट करेंगे, टाउ अपॉन r
आर स्क्वायर इंटू डी ए को, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा दैट इज टी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, जीरो से आर, आर स्क्वायर डी ए, ये हमारे एक इक्वेशन बना। अब इसमें इस इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से, वो जीरो से आर तक क्या है हमारा आर स्क्वायर डी ए, तो ये हमारा आर स्क्वायर डी ए एक्चुअली क्या है, आर स्क्वायर डी ए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, किसका एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल से पास होगा। ओके नाउ हमारा ये जो था इंटीग्रेशन ऑफ ओ जीरो टू आर आर स्क्वायर डी ए का हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एलिमेंट्री रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जो कि परपेंडिकुलर था प्लेन से, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से आर आर स्क्वायर डी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्किल, पूरे सर्किल का मीन्स पूरे शाफ्ट का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। ओके तो हम क्या लिख सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 32 अपॉन डी फोर, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट देयरफॉर टी इज इक्वल टू टाउ आर इंटू जे लिख सकते हैं हम, कैसे ये आया हमारा, ये आया हमारा आपका, ये हमारा मैंने बताया, ये हमारा होता है किसके लिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसको वो पाई अपॉन 32 डी फोर, ये होता है सॉलिड सर्कुलर का, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए होता है। ओके देयरफॉर हमारा टी क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन आर एज वेल एज इनटू जीरो से आर आर स्क्वायर डी ए, जो हमारा जीरो से आर आर स्क्वायर डी ए जो हमारा फॉर्मूला था उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेट इज जे लिख सकते हैं, डेट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। देयरफॉर टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर लिख सकते हैं, और टाउ अपॉन आर हमारा क्या था, डेट इज सी थीटा अपॉन एल, मैंने प्रूफ किया था फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका स्ट्रेस एंड टॉर्क का, ठीक है, ये हमारा इसका रिलेशन कंप्लीट होगा। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर मॉडुलस क्या होता है, क्या होता है पोलर मॉडुलस, क्या होता है पोलर मॉडुलस, पोलर मॉडुलस होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेट इज जे, पोलर जे को हमने बताया था पोलर मोमेंट इनर्शिया जे, तो इट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का रेडियस, और इसे हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्शनल सेक्शनल मॉडुलस, ठीक है, और इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड एज जेड पी से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, जेड पी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज जे डिवाइडेड अपॉन टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट डेट इज आर, ये हमारा हो गया पोलर मॉडुलस का आपका इक्वेशन। ओके तो नेक्स्ट है फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए हमारा पोलर मोमेंट ऑफ पोलर मॉडुलस क्या होगा, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट क्या, सॉलिड शाफ्ट के लिए हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई अपॉन 32 डेट इज डी फोर होता है, ठीक है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या हो जाएगा, इट इज जे अपॉन आर, जे हमारा कितना है पाई अपॉन 32 डी फोर अपॉन रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू डायमीटर का आधा, ठीक है, देयरफॉर हमारा जेड पी क्या हो जाएगा, हमारा पोलर मॉडुलस हो जाएगा पाई अपॉन 16 डी क्यू, ठीक है, हो गया। सिमिलरली फॉर हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, हॉलो शाफ्ट के लिए आपका हो जाएगा हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो शाफ्ट के लिए होता है पाई अपॉन 32 आउटर का डायमीटर माइनस इनर डायमीटर,
आपका 4, ओके। तो हमारा जेड पी क्या हो जाएगा, डेट इज़ जे अपॉन आर, जे डेट इज 32 पाई अपॉन 32, डी आउटर का होल पावर 4, इनर का पावर 4 अपॉन डेट इज़ आर, आर क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज़ डी अपॉन 2, और आपका डेट इज़ रेडियस डी नॉट अपॉन 2। हम यहाँ पे भी जो हमने आर लिया वो आउटर रेडियस के लिए लिया था ना, आउटर रेडियस ऑफ के आउटर रेडियस का लेते हैं डी अपॉन 2, यहाँ आउटर रेडियस डी नॉट अपॉन 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे जेड पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 16 डी नॉट 4 माइनस डी इनर का 4 अपॉन डी नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पोलर मॉडुलस किसके लिए, फॉर सॉलोसॉफ्ट के लिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी और स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट एंड टॉर्शनल रिजिडिटी हमारा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है, शाफ्ट का स्ट्रेंथ होता है the maximum torque or maximum power the shaft can transmitted, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट मीन्स द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क हमारा मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर द शाफ्ट कैन बी ट्रांसमिटेड, हमारा कोई शाफ्ट मैक्सिमम टॉर्क और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और टॉर्शनल रिजिडिटी क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्शनल रिजिडिटी और इसे हम बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। टॉर्शनल रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट हमारा क्या होता है, ये होता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी एंड पोलर मूमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट दैट इज जे, ठीक है। मीन्स हमारा जो टॉर्शनल रिजिडिटी है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, इससे हमारा एक और इक्वेशन बन सकता है, टॉर्शनल रिजिडिटी सी इंटू जे है और हम जानते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था टाउ मीन्स टॉर्क अपॉन जे क्या होता है हमारा, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल होता है। तो इससे अगर हम इस टर्म में लिखें, ये सी है ये जे है, तो सी इंटू जे इज इक्वल टू, मैंने जे को उधर भेज दिया, डेट इज थीटा इधर और टी उधर, टी इंटू एल अपॉन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सी इंटू जे क्या है, टॉर्शनल रिजिडिटी, तो हम टॉर्शनल रिजिडिटी को टी इंटू एल अपॉन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कन्फर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल, इस टॉपिक पे मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, और हो सके तो मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा इसी टॉर्शन ऑफ शाफ्ट के लिए, जिसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, उससे पहले लेकिन आपको ये सब आना चाहिए, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैंज्ड कपलिंग क्या होता है, ये हमारे दो शाफ्ट मीन्स ये शाफ्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये शाफ्ट हुआ एक ये शाफ्ट हुआ, दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम एक कपलर यूज़ करते हैं जो ये दोनों शाफ्ट इसमें कनेक्ट होता है फ्लैंज, एक फ्लैंज इसमें कनेक्ट होता है,
ठीक है, दोनों को जोड़, दोनों फ्लेंज को नट बोल्ट के थ्रू हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है फ्लेंज कपलिंग। तो जो टॉर्क है हमारे पहले शाफ्ट का, जो टॉर्क है, क्या हमारा दूसरे टॉर्क जो है वो दूसरे टॉर्क दूसरे शाफ्ट में टॉर्क हमारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो वो हम फार्मूला उसका डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले फ्लेंज कपलिंग बनाते हैं, दैट इज ये हमारा एक शाफ्ट हो गया, ओके। ये आपका क्या हो गया, एक एक शाफ्ट हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, एक दूसरा शाफ्ट यहाँ पे लाया, दूसरा शाफ्ट को कनेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा शाफ्ट, हो गया आपका, ठीक। दोनों शाफ्ट को हमने क्या किया, कनेक्ट किया नट बोल्ट के थ्रू। नट बोल्ट के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, ये नट बोल्ट के थ्रू हमने दोनों शाफ्ट को क्या किया, कनेक्ट कर लिया, ओके। ये हमारा शाफ्ट का एक्सिस, मैं इसे अगर टॉप व्यू से दिखाऊंगा ये कुछ ऐसा कनेक्टिंग दिखेगा आपका, ठीक। इसका पिच सर्किल डायमीटर कोई सर्कुलर, ये हमारा सर्कुलर फ्लेंज है, ये हमारे शाफ्ट के आगे ऐसा सर्किल एक चीज एक लगा हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ये नट बोल्ट, इस पॉइंट पे हमने एक दूसरे से नट बोल्ट से कनेक्ट किया है उसे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये क्या है हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ठीक है, और ये क्या है हमारा, डेट इज डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट पिच सर्किल डी स्टार, डायमीटर ऑफ बोल्ट, यहाँ इस बोल्ट से इस बोल्ट तक का पिच सर्किल जो हमारा ये है, डेट इज़ ये है हमारा पी सी डी, पिच सर्किल डायमीटर का, डेट इज़ डी डैश डी स्टार, ठीक है। ये हमारा हब हो गया, ठीक है, ये हमारा की हो गया जिससे हमने ज्वाइन किया। अब इसे हम डिराइव करते हैं, ओके ओके। टी टाउ डेट इज सियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट, शाफ्ट में हमारा सियर स्ट्रेस क्या है अपर फेस आउटर सरफेस पे। क्यू सियर स्ट्रेस इन द बोल्ट, हर एक बोल्ट, एक दो तीन चार पाँच छः बोल्ट हमने यूज़ किया, तो सियर स्ट्रेस इन द बोल्ट पे क्या सियर स्ट्रेस पड़ रहा है। डी डायमीटर ऑफ बोल्ट, हर एक बोल्ट का डायमीटर कैपिटल डी, स्मॉल डी को बोल्ट डायमीटर कैपिटल डी। डाया ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का हमारा डायमीटर कितना, डिट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी स्टार मीन्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट पिच सर्किल, मीन्स जो हमने यहाँ ये बोल्ट और ये बोल्ट का जो पिच सर्किल हमारा ये बनेगा, इसका डायमीटर क्या होगा डी स्टार, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट, आपने कितने नंबर ऑफ बोल्ट यूज़ किए, जैसे हमने एक दो तीन चार पाँच छः बोल्ट यहाँ यूज़ किया, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट इतने होंगे। तो अब इसे स्टार्ट करें, द मैक्सिमम लोड डेट कैन बी रेजिस्ट बाई वन बोल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम आपका, तो जब इस पे लोड लगेगा तो सिंपल ही हर एक बोल्ट पे लोड लगेगा, तो हमारा मैक्सिमम लोड डेट कैन बी रेजिस्ट ऑफ वन बोल्ट हमारा कितने लोड को रेजिस्ट करेगा, दैट इज स्ट्रेस इन बोल्ट इनटू एरिया ऑफ वन बोल्ट। स्ट्रेस इन बोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू स्ट्रेस इन बोल्ट इनटू एरिया ऑफ वन बोल्ट, दैट इज पाई अपॉन फोर डी स्क्वायर, ठीक है। इसका स्मॉल डी हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट था। अब क्या, अब टॉर्क रजिस्टेड बाई वन बोल्ट, हमने मैक्सिमम लोड देख लिया, डेट इज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस अ बोल्ट। अब टोटल टॉर्क क्या होगा हमारा, और टोटल टॉर्क से पहले हमने निकाला टॉर्क रजिस्ट बाई वन बोल्ट, ओके ओके।
टॉर्क रेजिस्ट बाई वन बोल्ट क्या हो जाएगा हमारा, लोड मैक्सिमम लोड जो हमने निकाला इंटू रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस क्या होगा, दैट इज पिच सर्किल रेडियस, पिच सर्किल डायमीटर वाला, दैट इज क्यू इंटू पाई अपॉन फोर डी स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्किल, पिच सर्किल का रेडियस दैट इज हम इसे ये लिख सकते हैं रेडियस का टू डी डी अपॉन टू लिख सकते हैं, और पिच सर्किल की बात करें सिर्फ डी स्टार लगाया, ठीक है। बट और क्या हो जाएगा हमारा टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क हमारा हो जाएगा रेजिस्टेड बाय एन बोल्ट, एन बोल्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा टोटल टॉर्क, दैट इज एन इंटू ये स्ट्रेस इंटू पाई अपॉन फोर डी स्क्वायर इंटू डी स्टार अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बाकी का बता देता हूँ, ठीक है, ये इतने में ख़त्म हो जाएगा। नाउ हमने टोटल सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम लोड निकाला, देन टॉर्क निकाला रेजिस्ट बाई वन बोल्ट, ना टोटल टॉर्क हमने निकाला फॉर एन बोल्ट के लिए, ना बट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, बट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ डी क्यूब, ये हमें पता है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए टॉर्क जो होता है टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ डी क्यूब हमारा होता है। देयरफॉर टॉर्क रेजिस्ट बाय बोल्ट शुड बी इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द बोल्ट क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट क्या था हमारा, एन इंटू क्यू इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन इंटू डी स्टार और 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू, ये था, हमने दोनों को क्या किया इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, ये हमारा हो गया आपका फ्लैंज्ड कपलिंग का टॉर्क, कैसे दोनों हमारे फर्स्ट शाफ्ट और सेकंड शाफ्ट में कैसे टॉर्क एक्सचेंज होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है आपका जो ये सिलेबस है टॉर्सन शाफ्ट जो सीबीसीएस पैटर्न वाला, इसके हिसाब से हमारा डिफॉर्मेशन इन सर्कुलर शाफ्ट एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने बता दिया, हॉलो ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए भी बात हो चुकी है, टेंशनल स्ट्रेस इन शाफ्ट इसमें हमने इस दोनों सर्कुलर हॉलो की बात कर लिया, अब एक चीज़ बच गया इसमें टेपरिंग शाफ्ट के लिए भी हम निकालते हैं टेंशनल क्या है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपने चालू करने जा रहे हैं टॉर्सन ऑफ टेपरिंग शाफ्ट, टॉर्शनल ऑफ टेपरिंग शाफ्ट, ओके, टॉर्शनल ऑफ टेपरिंग शाफ्ट क्या होगा, ये हमारा टेपर्ड शाफ्ट हुआ, ओके, ये इसका एक्सिस, ये मैंने एक एरिया कंडक्ट किया, ओके, इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर वन, ठीक, मैंने जो एलिमेंट्री रीजन कंडक्ट किया है वो हमारा इस साइड से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, और हमने जो एलिमेंट्री एरिया कंडक्ट किया है वो हमारा कितना है डी एक्स है, ठीक है, और टोटल जो टेपरिंग शाफ्ट का लेंथ है डेट इज़ एल, और जो बिगर साइड है उसका रेडियस कितना है डेट इज़ आर टू, स्मॉलर साइड का आर वन, ठीक है, आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, तो इसका डेरिवेशन हम चालू करते हैं, ओके ओके, तो द शाफ्ट विच टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेडियस आर वन टू रेडियस आर टू, आर वन से आर टू तक, एंड द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट टी, ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं शाफ्ट पे, दैट इज टाउ वन दैट इज सियर स्ट्रेस ऑन द सर्फेस ऑफ द शाफ्ट एट लेफ्ट एंड
लेफ्ट हैंड वेयर रेडियस इज वन आर वन इट इज शाफ्ट ओके और टाउ टू इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस व्हेन रेडियस इज आर टू ओके और टाउ एक्स क्या है हमारा शियर स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट टी एक्स हमने माना कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो सरफेस ऑफ शाफ्ट के सरफेस पे हमारा क्या होगा शियर स्ट्रेस विच इज द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड और जो टी एक्स आपने माना जो आपने एरिया कंसीडर किया है जो हमने ये एरिया कंसीडर किया है डी एक्स एरिया तो इसका हमारा इसकी सरफेस पे हमारा शेयर स्ट्रेस क्या होगा डेट इज टी टाउ एक्स नाउ नेक्स्ट है हमारा एल एल क्या है लेंथ ऑफ द शाफ्ट ओके डी वन डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट लेफ्ट एंड डेट इज लेफ्ट एंड ये हमारा ये साइड डेट इज क्या है डायमीटर हमारा डी वन इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका 2R1 ठीक है D2 is equal to diameter of shaft at right end right hand side का that is 2R2 लिख सकते हैं that is diameter is equal to radius into 2 यही है ओके नाउ नेक्स्ट है हमारा और DX हमारा क्या है diameter of the shaft at a distance x from the left end therefore हम 2RX लिख सकते हैं radius ठीक है वेयर आर एक्स इज द रेडियस ऑफ द सेक्शन मीन्स जो हमने सेक्शन कंसीडर किया ये सेक्शन का डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स हमने माना डायमीटर डेट इज टू आर एक्स रेडियस भी ले सकते हैं तो द रेडियस आर एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज गिवन बाई हमारा जो रेडियस आर एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड से डेट इज ए पॉइंट और दैट इज बी पॉइंट इससे हमारा कितना एक्स डिस्टेंस पे है ठीक है तो क्या हो जाएगा आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा दैट इज आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन टोटल आर टू जितना है माइनस आर वन मिस माइनस करेंगे डिवाइडेड अपॉन एल और इंटू एक्स अपॉन एल लिखते हैं अभी मैंने एल को यहाँ लिख दिया ओके ये हमारा इसका जो हमने एक एलिमेंट्री कंसीडर किया है ये जो एक प्लेट कंसीडर किया है वो हमारा लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस पे है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस का क्या हो जाएगा आर वन जो आपका स्मॉल साइज का जो आपका रेडियस है प्लस आर टू जो बड़े साइड का रेडियस है माइनस आर वन अपॉन लेंथ ऑफ शाफ्ट इंटू एक्स जितने डिस्टेंस पे है ये हमारा आर एक्स हो गया ठीक नाउ नेक्स्ट डायमीटर सिमिलरली डायमीटर क्या हो जाएगा डी एक्स डेट इज डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन एल अपॉन इंटू आर एक्स इंटू एक्स ये हो गया नाउ वी नो डैट हम जानते हैं टाउ फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होता है टॉर्क हमारा क्या होता है डेट इज टाउ इंटू पाई सिक्सटीन अपॉन डी थ्री ठीक है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया नाउ नेक्स्ट द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट टॉर्क ठीक है शाफ्ट ये जो शाफ्ट है इस पर कांस्टेंट टॉर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है तो टाउ इज इक्वल टू टी वन इंटू पाई सिक्सटीन डी वन क्यूब इज इक्वल टू टी टू टी वन और टू टू दोनों का इक्वल कर देते हैं इज इक्वल टू टी थ्री ओके ये हो गया हमारा देयरफॉर टी वन इज इंटू डी वन थ्री इज इक्वल टू टी टू ये पाई से ये पूरा वैल्यू सबका कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा फॉर डी एक्स ये जो मैंने टाउ थ्री लिखा है ये एक्चुअली टॉर्क थ्री के लिए टॉर्क थ्री क्या है हमारा जो हमने प्लेट कंसीडर किया जो प्लेट कंसीडर किया है इसके सरफेस पे जो हमारा टॉर्क लगेगा वो है तो ये हमारा पाई बाई सिक्सटीन कट गया तो हमारा ये बचा डेट इज इक्वेशन टू ये हमारा इक्वेशन वन ये हमारा इक्वेशन टू नाउ नेक्स्ट लेट अस फाइंड द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम द टेपरिंग शाफ्ट ऑफ लेंथ एल जो ये शाफ्ट है आपका ये शाफ्ट जब आप ट्विस्ट करोगे क्या करोगे ट्विस्ट करोगे तो किस जो एंगल हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा तो क्या होगा तो कंसिडर अ स्मॉल लेंथ ऑफ डी एक्स ऑफ द शाफ्ट तो हमने इस शाफ्ट पे एक स्मॉल एट एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्या बोलते हैं स्मॉल लेंथ डेक्स कंसीडर किया ओके नाउ नेक्स्ट लेट डी थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ स्मॉल लेंथ डी एक्स जो आपका ये डी एक्स है स्मॉल लेंथ डी एक्स है उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है डी थीटा और थीटा है टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द टोटल लेंथ ठीक है और जो हमारा पूरा शाफ्ट का लेंथ एल है इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है डेट इज थीटा ओके तो यूजिंग इक्वेशन T अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल ये हमको पता है ऐसा होता है ना पता है अभी हमने सॉल्व करके बताया था ओके नाउ फॉर अ स्मॉल लेंथ डी एक्स जो छोटी वाली ये जो अपना हमारा जो ये एलिमेंट्री रीजन है इसका डी एक्स फॉर स्मॉल लेंथ डी एक्स
द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डी थीटा है, हमने अभी बताया. हेंस द एवोव इक्वेशन बिकम टी जे अपॉन सी डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है. वेयर जे क्या है, हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है करस्पॉन्डिंग टू डायमीटर डी एक्स के लिए. देयर फॉर पोलर डायमीटर डी एक्स के लिए पाई अपॉन 30 डी एक्स अपॉन 4 हो जाएगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डी एक्स के लिए. तो अब हम इसे ले डी थीटा इज इक्वल टू ये टी, ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा डी एक्स इंटू जे अपॉन जे इंटू सी. जे हमारा क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर डी एक्स के लिए क्या होता है पाई अपॉन 32 डी एक्स का 4. तो हमने जे की जगह ऊपर वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है. ये हमारा इसके लिए हो गया. नाउ जब इसे आप 32 ऊपर भेज दें तो 32 टी इंटू डी एक्स अपॉन पाई सी इंटू डी एक्स का 4 ये हो गया. नाउ डी थीटा क्या हो जाएगा 32 टी डी एक्स सेम टू सेम पाई सी. आपका डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर, हमने अभी इक्वेशन आपका यहाँ पे हमने निकाला था, ये हमने डी एक्स निकाला था, ये रेडियस पहले निकाला ये था, डायमीटर उस स्मॉल एरिया के लिए ये हो जाएगा. देयरफॉर हमने वो डायमीटर डी एक्स 4 की जगह पे पुट कर दिया. डी वन प्लस डी वन टू माइनस डी वन अपॉन एल इंटू एक्स. ओके लेट डी टू माइनस डी वन अपॉन एल इज इक्वल टू के हम गेस कर लेते हैं. ये यूनिट वन में जब आप पढ़ो पढ़ते होगे साफ्ट कौन सा यूनिट वन जो हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, उसमें एक टेपर रॉड है टेपर सर्कुलर और रेक्टेंगल के लिए, उसमें सेम यही स्टेप करते हैं, ठीक है. वैसे ही स्टेप हम यहाँ भी करने जा रहे हैं. तो हमने डी टू अपॉन माइनस डी वन एल को हमने के मान लिया. देयरफॉर जो हमारा डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा क्या हो जाएगा 30 डी थीटा हमारा ये हो जाएगा, डी थीटा हमारा क्या हो जाएगा 32 टी डी एक्स डिवाइडेड अपॉन पाई इंटू सी सेम टू सेम इंटू डी वन सेम और डी टू माइनस डी वन की जगह हमने के एक्स डी टू माइनस डी वन अपॉन एल की जगह हमने के रख दिया. देयरफॉर के मल्टीप्लाइड अपॉन एक्स ये हो गया, ठीक है. तो हमारा जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा फॉर द टोटल लेंथ, मींस हमारा ये जो ये साफ्ट है टोटल लेंथ के लिए हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा. जो हमारा डी थीटा का वैल्यू आया उसे जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें जीरो से एल तक. तो क्या हो जाएगा 32 टी और पाई सी कॉमन है से बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो बाहर निकाल ले रहे हैं. बचा क्या हमारा डी एक्स अपॉन डी वन प्लस के एक्स का 4, ठीक. देयरफॉर मैंने इसे ऐसे रहने दिया और ये डी वन प्लस के एक्स है, ये हमारा ऊपर जाके माइनस 4 माइनस प्लस 4 है माइनस 4 हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा. अब प्लस 32 डी अपन पाई सी इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डी वन प्लस के एक्स माइनस 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन इंटू के और एल 0 से एल, ठीक. तो हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया बाहर तो माइनस 32 अपॉन 2 पाई सी इज इंटू 1 अपॉन 3 के. ओके दैट इज डी वन प्लस के एक्स माइनस 3 अपॉन सेम टू सेम माइनस सेम ये स्टेप भी सेम है. और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्स की जगह पे एल पुट किया और यहाँ पे जब जीरो पुट किया तो हमारा ये वैल्यू हमारा हट गया तो बचा क्या डी वन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेम स्टेप माइनस 32 टी अपॉन पाई इंटू सी इंटू 1 अपॉन 3 के और ये माइनस में था ये हमारा 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डी वन प्लस के एल का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन ये भी माइनस में तो डी वन क्यूब हो गया, ठीक है. इट इज़ डी वन का क्यूब. देयरफॉर ऑल्सो हमने क्या माना था अभी हमने माना डी टू माइनस डी वन अपॉन एल इज इक्वल टू के होता है, हेंस डी टू इज इक्वल टू एल के प्लस डी वन हो जाएगा. तो ये डी एल एल के प्लस डी वन डी टू हुआ हमारा तो हम यहाँ पे डी टू लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे डी टू जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस सेम टू सेम 32 अपॉन टी पाई सी सेम टू सेम है इंटू 1 अपॉन 3 के ये भी सेम हमने क्या लिख दिया डी टू लिख दिया उसकी जगह पे तो डी टू का होल क्यूब माइनस डी वन का होल क्यूब तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 32 अपॉन टी अपॉन पाई सी इंटू 1 अपॉन 3 के ब्रैकेट 1 अपॉन डी वन का क्यूब माइनस ये माइनस था मैंने माइनस हटाने के लिए इस टर्म को एक्सचेंज कर दिया तो डी वन क्यूब माइनस डी टू का क्यूब ये हमारा फाइनल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए टॉर्शन शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा. ओके वेयर टी क्या है, टी है आपका टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क
सी इज़ अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मटेरियल कौन सा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके. डी इज़ अ डायमीटर, डी वन इज़ अ डायमीटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी वन इज़ अ डायमीटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी टू इज़ अ डायमीटर ऑफ राइट हैंड साइड, ओके. एंड के हैं आपका, के इज़ अ सम कॉन्स्टेंट, जिसे जैसे हमने माना था डी वन माइनस डी टू अपॉन